गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब घर पे सुरक्षित होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ फुल्ली एंजॉय कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट डे के अंदर अपना सिविक्स का लास्ट लेसन हमने ओवर किया था, आज हम एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक जो कि नेशनल इंडिया से बिलोंग करता है। नेशनल इंडिया का मतलब है भारत के अंदर राष्ट्रवाद की शुरुआत। जैसा कि हम सबको पता है, 1947 से पहले हमारा जो कंट्री था वो ब्रिटेन का क्या रहा है, कॉलोनी रहा है, स्लेव रहा है। और उससे पहले, कहने का मतलब 1947 से ही हमारे कंट्री क्या बना, एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, एक इंडिपेंडेंट कह सकते हैं हम, अपना प्रोग्रेस कंप्लीट किया है। इससे पहले हम एक कॉलोनी कंट्री थे, कॉलोनी किसकी, ब्रिटेन की। लगभग 200 इयर्स तक ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया, रूल किया, और इसी टाइम पीरियड में कई बार स्ट्रगल किया है, जैसे कि हमने 8th क्लास में भी रीड किया है 1857 का स्ट्रगल, जिसको हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं, फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ अवर कंट्री। ओके, लेकिन यहां पर हम उसके बारे में डिस्कशन ना करके हम मेनली टॉपिक्स पर आते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि भारत के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ था जिसने भारत के अंदर नेशनलिज्म को लीड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, और वो प्लेटफॉर्म था 1885 के अंदर। और 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस का सेटअप हुआ। इसका सेटअप हुआ, कांग्रेस का सेटअप हुआ था, और कांग्रेस पार्टी ने, इट मींस इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे पहली बार कोई भारत की अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई, जिसके अंडर के अंडर में हमने नेशनलिज्म के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो धीरे धीरे स्ट्रगल करना शुरू हुआ। हमने क्लास पीरियड में भी बताया था कि 1905 के अंदर बंगाल का डिवीजन हुआ, हमारे भारतीयों ने इस डिवीजन के अगेंस्ट में भी रिवोल्ट किया। ओके, लॉर्ड कर्जन ने ये किया था 1905 के अंदर बंगाल का डिवीजन। और इसी तरह से कई सारे हमें इवेंट देखने को मिले, लेकिन हम यहां पर जो मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत। जैसा कि 1915 के अंदर भारत के अंदर गांधी जी रिटर्न हुए थे, कहां से, इंग्लैंड से, अपनी बैरिस्ट्री की डिग्री कंप्लीट करने के बाद गांधी जी भारत में लौटे, वापिस आए। और ऐसा नहीं कि इससे पहले मूवमेंट नहीं चल रही थी, मूवमेंट इससे पहले भी थे, कई सारे लीडर्स स्ट्रगल में थे, लेकिन वो भारत को यूनिटी में नहीं कर पाए, हर एक ग्रुप का, हर एक सेक्शन का सपोर्ट गेन नहीं कर पाए। लेकिन 1915 में गांधी जी इंडिया में अराइव हुए, और भारत में आने से पहले, जैसा हमने पढ़ा हुआ है कि 1915 के अंदर ही उन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन किया, और सत्याग्रह आंदोलन कहां पे किया, साउथ अफ्रीका के अंदर किया, जो काफी सक्सेसफुल रहा। और उनका जो ये सत्याग्रह था किसके अगेंस्ट में, रेसिस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कलर भेद नीति। क्या कहते हैं, कलर भेद नीति के अगेंस्ट में साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया, जहां पर काफी कुछ सक्सेसफुल गेन हुई। उसके बाद भारत में गांधी जी रिटर्न हुए, और ऐसा नहीं कि आते ही गांधी जी लग गए चलो भाई हम भारत की आजादी में जुट जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले इंडिया की कंडीशन देखी, लोगों का अपना अपना व्यूज था कि सभी ग्रुप आपस में बटे हुए हैं, कोई किसके लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई किसके लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो गांधी जी तकरीबन 1 ईयर तक पूरे इंडिया में मूड हुए, घूमते रहे और देखा कि क्या कुछ कंडीशन चल रही है। और उन्होंने भी वही वे इंडिया के अंदर एडॉप्ट कर लिया, कौन सा, सत्याग्रह का, कि अगर भारत को आजाद करना है तो उसका एक ही तरीका है, कौन सा है, सर्च ऑफ ट्रूथ, कि हमें अपने ऑपरेशंस को ये रियलाइज कराना है कि भारत उनका देश नहीं है, वो हमारा देश है, भारतीयों का देश है। ओके, इन दैट रीजन उन्होंने इस वे को एडॉप्ट किया,
कौन सा, सत्याग्रह को। और इसी के उसमें उन्होंने कई सारे सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किए जिसको हम पढ़ेंगे भी डिटेल में, पढ़ा भी रखा है, बता भी रखा है जब इस लेसन को कराया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था उस टाइम पीरियड में। इट मीन्स ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी है, हिस्ट्री का सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है। सो आइए लेट अस स्टार्ट करते हैं। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। सिंपल सी बात है, भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई वो शुरुआत कैसे हुई थी, एंटी इंपीरियल मूवमेंट था। एंटी इंपीरियल का मतलब क्या होता है, जो उपनिवेश था, जिसने हमें उपनिवेश बना रखा था उसके खिलाफ में, उसके अगेंस्ट में मूवमेंट लॉन्च करना कि हमें उपनिवेशवाद खत्म करना है और अपने आप को क्या करना है, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है। ओके, द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू फॉर्म ग्रुप टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। कांग्रेस की लीडरशिप में महात्मा गांधी जी ने पूरे भारत को यूनिटी में करने की कोशिश की और इकट्ठा भी किया, और उन्हीं का ये रिजल्ट निकला कि पूरा भारत एक हुआ, एक साथ हुआ। हाउएवर दिस यूनिटी डिड नॉट विदाउट कंफ्लिक्ट, लेकिन ये जो यूनिटी थी वो बगैर कंफ्लिक्ट के नहीं होने वाली थी। कहने का मतलब है सबके अपने अपने मत होते हैं, मतभेद होते रहते थे, और यही कारण से यूनिटी तो हुई लेकिन लोगों में कंटिन्यू क्या बने रहे, मतभेद बने रहे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये सब जब गांधी जी ने अराइव किया, सिचुएशन देखी कि कौन सा लीडर कहां पे लगा हुआ है, ब्रिटिशर्स हमारा किस तरह से ऑप्रेस कर रहे हैं, किस तरह से हमारे कंट्री हमारा है रूल्ड उनका चल रहा है, इन सब सिचुएशंस को वॉच किया, और सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया। कब, 1916 में। कब किया है, 1916 में, भारत के अंदर। 15 में कहां पे हुआ, अफ्रीका के अंदर हुआ था। आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। फर्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी जी 1915 में भारत में वापस आए, जनवरी 1915 में, और इससे पहले कहां पे गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, और वहां पे उन्होंने एक सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट भी लॉन्च किया। किसके अगेंस्ट में, रेसिस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट। हिज हेरोइक फाइट फॉर द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वॉज वेल नोन। हिज नोवल मेथड ऑफ मास एग्रीगेशन नोन एज सत्याग्रह हैड यील्डेड गुड रिजल्ट। और उनका जो मेथड था सत्याग्रह का, उसके बहुत अच्छे परिणाम भी निकले। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सर्च ऑफ ट्रूथ, सत्य की खोज। और सत्य क्या था कि भारत हमारा देश है, इस पे हमारा रूल होना चाहिए, लॉज हमारे होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा होना चाहिए, यही मेथड था कौन सा, सत्याग्रह का। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। जैसा हमने बताया, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। पावर ऑफ ट्रूथ, सत्य की शक्ति, पावर जो बतानी थी, और इसके अलावा हमें सर्च करना था किसको, सत्य को, कि आखिरकार रियलिटी क्या है, और इस रियलिटी को हमें रियलाइज भी करना था, और रियलाइज किसको करना था, ब्रिटिशर्स को। इन दैट रीजन गांधी जी ने क्या लॉन्च किया है, सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किए। ओके, और मेनली कितने किए, कितने किए, फॉर मूवमेंट किए हुए, क्लियर। आइए नेक्स्ट है, 1916 गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजन टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेशन प्लांटेशन सिस्टम। गांधी जी चंपारण गए, गांधी जी को पता चला कि चंपारण के अंदर जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनके साथ, उनको उनके साथ एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है, बहुत ज्यादा उनके साथ में, कहने का मतलब है मिसबिहेव किया जाता है, काम ज्यादा करा लेते हैं, उनको मजदूरी नहीं दी जाती, जिसको हम बेगार भी कहते हैं। बेगार क्या होता है, विदाउट वर्क, विदाउट पेमेंट ऑफ वर्क, जिसमें काम कराते लेकिन पेमेंट नहीं दी जाती है।
ऐसा वर्क कराया गया, कहां पर? चंपारण के अंदर। काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की, गांधी जी चंपारण अराइव्ड हुए, लोगों की सिचुएशन भी वॉच की, और वहां पर उन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया। किस नाम से? चंपारण मूवमेंट, जिसको नाम दिया गया प्लांटेशन वर्कर्स। क्या नाम दिया गया? प्लांटेशन मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट, जिनका मेन एम था कि भाई हमें मूवमेंट करने की फ्रीडम दी जाए, हमारे काम के लिए जो हमारा वेतन है मजदूरी वो हमें प्रोवाइड किया जाए, हमें घर जाने की आने जाने की आजादी दी जाए, जबकि प्लांटेशन वर्कर्स को ये सब फ्रीडम नहीं थी। इवन जो फेस्टिवल्स होते थे वो अपने घर भी नहीं जा सकते थे। ओके, नेक्स्ट है, इन 1917 क्रॉप्स फेल्ड इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। 1917 में क्या हुआ कि गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहां पर क्रॉप फेल हो गई, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कंटिन्यू प्रेशर डाला कि आपको क्या देना पड़ेगा, रिवेन्यू तो देना ही पड़ेगा, चाहे क्रॉप हो या ना हो। पीजेंट इनके अगेंस्ट में होकर इनका साथ कितने दिया? गांधी जी ने दिया, और वहां पर उन्होंने एक और सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च कर दिया। किस नाम से? पीजेंट मूवमेंट के नाम से। किस नाम से? पीजेंट मूवमेंट के नाम से। कहां पे किया? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर। आया समझ में? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में सेकेंड सत्याग्रह मूवमेंट। ये मैथ क्वेश्चन भी है भाई, ये मैथ क्वेश्चन भी है 16 के अंदर। सत्याग्रह मूवमेंट कहां पे हुआ? चंपारण बिहार में। 17 के अंदर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। ओके, और किसके फेवर में हुआ है? पीजेंट्स के फेवर में, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे जबकि क्रॉप्स पूरी तरह से फेल्ड हो चुकी थी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1918 महात्मा गांधी इंटरवेन इन डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद। 1918 में क्या हुआ? गांधी जी ने एक डिस्प्यूट के अंदर इंटरवेन किया, इंटरफेयर किया, और वो डिस्प्यूट किस चीज के बीच में था? मिल वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच। कहां पर? अहमदाबाद में, जहां पर काम कराया जाता, ओवर टाइम कराया जाता, लेकिन उसका जितना काम कराते उतनी मेहनत मजदूरी नहीं दी जाती। तो इसके अगेंस्ट में जो कि मिल वर्कर्स पहले से ही मूवमेंट में थे, उस मूवमेंट को और लॉन्च किसने कर दिया? गांधी जी ने लॉन्च कर दिया। नाम दे दिया कॉटन मिल वर्कर। क्या नाम दे दिया? कॉटन मिल वर्कर मूवमेंट। और ये उनका लास्ट सत्याग्रह मूवमेंट था। फॉलो है ना? 1915 में कहां पे किया? साउथ अफ्रीका। 1617 और 18 के अंदर भारत के अंदर। 1916 का चंपारण, 1917 का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, और 18 का अहमदाबाद। ये भी कहां पे है? गुजरात के अंदर ही है। क्लियर। ही एडवाइज टू वर्कर्स टू गो ऑन स्ट्राइक। गांधी जी ने वर्कर्स को एडवाइस दी कि आप सब हड़ताल पे चले जाओ। हड़ताल मतलब क्या है? काम करना बंद कर दो, मिल ओनर्स अपने आप घुटने पे आ जाएगा और आपकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करेगा। एंड टू डिमांड 35% इंक्रीज इन वेजेस। और कितने परसेंट वेजेस की डिमांड की है? 35% की। कहने का मतलब है अगर मजदूरी 100 रुपए थी तो उसका 35% और इंक्रीज होना चाहिए, 135 हो जाना चाहिए। ये सब डिमांड किसकी रही है? कॉटन मिल वर्कर्स की रही है। इसका साथ किसने दिया है? गांधी जी ने दिया। ये उनका फोर्थ और लास्ट सत्याग्रह मूवमेंट था जो काफी सक्सेसफुल गेन हुआ है। ओके, सत्याग्रह ब्रॉट गांधी जी इनटू क्लोज टच विद द वर्कर्स इन द अर्बन एरिया। और इस तरह से जो गांधी जी ने कई सारे मूवमेंट किए, कई सारे सत्याग्रह मूवमेंट किए, इन सब की वजह से गांधी जी जो है हर एक सेक्शन के साथ क्लोज में हो गए, क्योंकि उन्होंने पीजेंट्स का भी साथ दिया, उन्होंने प्लांटेशन वर्कर्स का भी साथ दिया, उन्होंने जो मिल वर्कर्स थे, फैक्ट्रीज में वर्कर्स थे, उनका भी साथ दिया। कहने का मतलब है एवरीवन ने गांधी जी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और यहीं से किसका स्टार्टअप होता है? नेशनलिज्म इन इंडिया का स्टार्टअप। कहने का मतलब भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत इसी पॉइंट, पिकअप पॉइंट से स्टार्ट होती है।
और गांधी जी ने कंटिन्यू आगे चल के और भी कई सारे स्ट्रगल किए हैं, कई सारे मूवमेंट किए हैं, वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, और एक्चुअलिटी के अंदर जो रियलिटी जो मेन स्टेप लिया गया जिसकी वजह से और भी ज्यादा हम कह सकते हैं ट्रैक पे आए अपने मूवमेंट में, उसमें अगले साल नेक्स्ट ईयर में 1919 के अंदर एक एक्ट पास कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम है वो हम अगले वीडियो में पढ़ा देंगे, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था बेटा? एक ऐसा एक्ट था जिसमें विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी ट्रायल, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे उनको 2 इयर्स तक जेल में डाल दिया जाता था यदि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। ये क्या था? रॉलेट एक्ट था। और इस रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने ब्लैक लॉ के नाम से नॉमिनेट कर दिया कि ये तो क्या है, काला कानून है जिससे हम सबका शोषण होना है, क्योंकि हमारी आजादी है, हमारा देश है, हम पीजेंट, सिंपल सी बात है, हम स्ट्रगल तो करेंगे अपनी आजादी के लिए, और इन्हीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए बैन लगा दिया, और यदि कोई करता है तो उनको विदाउट ट्रायल के 2 साल तक जेल में डाल दें। ओके ओके बेटा, इसके लिए कई बार स्ट्राइक भी हुई, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस सत्याग्रह मूवमेंट कंसेप्ट को सही ढंग से पढ़ लेना, वैसे तो पढ़ा हुआ है, कई बार रिवीजन भी हो चुका है, लास्ट टाइम पीरियड में ही 2 बार हो चुका था, अब हम 3rd टाइम कर रहे हैं। ओके बेटा, प्रॉपरली अपने सही ढंग से रिवाइज करना, आपका टेस्ट आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है? तो अपने सुरक्षित रहिए, अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिए। ओके बेटा, बाय।